स्वागत है आप सभी का। आज हम देखने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छी फिल्म और ये फिल्म आपको जरूर सीख देगी। और इस फिल्म जिस बारे में मैं वैसे तो नहीं बता सकता हूँ, बट ये एक एडिक्शन के बारे में है। अगर मैंने उस वर्ड को बोला तो वीडियो सकता ब्लॉक हो जाएगी, इसलिए मैं भी कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तुम देखो तुम्हें समझ आएगा। और अगर तुम लड़की हो तो किसी अपने भाई दोस्त जो भी हो तुम्हारा लड़का उसको भेज दो, क्योंकि लड़के ज़्यादातर इसके एडिक्ट होते हैं। ओके, तो इस कहानी को देखो और इससे तुम्हें लोगों को बहुत सी चीज़ सीखने को मिलेगी। एंड में मैं तुम लोग कुछ बातें भी बताऊंगा जिसे तुम पूरा रिलेट कर पाओगे और तुम्हें पता चलेगा कि जो कंपनीज हैं जो तुमने अपने फ़ोन के अंदर ऐप डाउनलोड करके रखे ना वो वाले, तुम्हें पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो वो कितने ज़्यादा किस लेवल तक बेकार होते हैं, ठीक है। तो कहानी 2018 में शुरू होती है कंपनी के अंदर, जहाँ इवेंट रखा गया होता है और हमें यार पेन से मिलते हैं। पेन एक बहुत अच्छा पढ़ा लिखा बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ा लिखा लड़का होता है, जिसे पूरी उम्मीद है कि आज इवेंट में CEO इसको कंपनी का डायरेक्टर बना ही देंगे, पर डायरेक्टर तो किसी और को चुन लिया गया होता है। पेन इस बात से नाराज है, वो काम छोड़कर चला जाता है। पेन को हैकिंग भी आती है, सब कुछ कर लेता है, बहुत अच्छा खासा होता है ये, पर अब बेरोजगार हो गया है तो क्या करे। तभी इसके पास एक गेम की कंपनी का ऑफर आया कि जॉब करोगे हमारे लिए। अब ये बेरोजगार है, इसने सोचा एक अच्छी नौकरी मिल रही है, क्यों ना मैं हाँ बोल दूँ। इसने ज्वाइन कर लिया काम को और फिर इसको बुलाया जाता है एयरपोर्ट पर और प्लेन में बैठाया जाता है। इसके साथ बहुत सारे और भी लोग बैठे होते हैं जिन्होंने इसके साथ ही मतलब काम करने के लिए ज्वाइन किया है। इनको 10 घंटे फ्लाइट में बैठा कर कंबोडिया लाया जाता है, जो कि एक कंट्री है। और यहाँ पर इतना अच्छा माहौल होता है, खुशनुमा रोड पर जैसे लोग निकलते हैं ना बाहर, खाने की चीज़ें हैं यहाँ पर, सुंदर सुंदर रोड है, वहाँ पर सुंदर सुंदर लड़कियाँ जिनके हाथ मारे जा रही हैं। ऐसा माहौल है कि मानो भाई जन्नत में आ गए तुम लोग, ऐसा इनको बताया जा रहा होता है। फिर कंपनी में लेकर आया जाता है जहाँ पर हम लू से मिलते हैं। लू एक बहुत ही नीच किस्म का आदमी मालूम पड़ता है मुझे यहाँ तक। फिर लू सबको टूर पर लेकर जाता है, कंपनी टूर पर अंदर लाता है तो हम देखते हैं इम्प्लॉयज, बहुत सारे इम्प्लॉयज बैठ कर ना वो जो वेबसाइटें होती है ना जहाँ पर तुम पैसा लगाते हो उस वाली वेबसाइटों को ऑपरेट कर रहे होते हैं। तुम लोग समझ जाना मैं बोलूँगा नहीं, पहले बता रहा, ठीक है। और कुछ अमीर लोगों को फंसाने में लगे होते हैं और ऐसा दिखावा किया जाता है, ऐसा बोला जा रहा था कि अभी पैसा लगा दो थोड़े टाइम में डबल हो जाएगा वो। लू ने सबको समझाया इन लोगों को, फिर इन्हें प्रोग्रामिंग रूम में लाया गया। ये सेकंड स्टेज होता है, यहाँ पर वो लोग अलाव हैं जिनको प्रोग्रामिंग आते हैं, थोड़े कंप्यूटर में अच्छा खासा कर लेते हैं। और यहाँ के इम्प्लॉयज जो होते हैं इनकी सैलरी ज़्यादा होती है, रिस्पेक्ट होती है। इन्हें 30,000 येन मिलते हैं महीने के, और जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा बाहर जो गिद्धों की तरह बैठे होते हैं उनको बस 8,000 येन मिलते हैं। और अंदर फ़ोन लाना भी मना होता है, सब कुछ मना है। फिर आते हैं हम तीसरे रूम में जहाँ से ये सारी चीज़ें ऑपरेट की जाती हैं। अंदर आते हैं जहाँ पर बहुत सारे वो होते हैं ना, तुम देख लो इसको, तुम समझ जाओगे क्या चीज़ है ये। यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर लड़कियाँ बैठी होती हैं और बस इनके ना मतलब खिलाती हैं ये प्लेयर्स को गेम। अब ऐसी वाहियात जगह देख कर ना पेन यहाँ से जाने लग गया होता है, पर सबको लगा कि ये तो काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुल हो रहा भाई, इसको मारते हैं। और रात को सबको गाड़ी में भर कर एक जगह पर लाकर फेंक देते हैं जिसको वेयर हाउस कहा जाता है, मतलब ऐसी कुत्तों की तरह सुलाते हैं इनको रात भर। और यहाँ से ना एक ने भागने की भी कोशिश की थी, उसको तो बहुत पीटा इन लोगों ने पकड़ के। 12 घंटे बाद सबको काम पे ज्वाइनिंग पे लाया जाता है। यहीं मैनेजर येन से मिलते हैं, मैनेजर तो नहीं है, गुंडा होता है, लू का आदमी है ये। इसका ना ऐसा काम ही संभाल के रखना सबको। पेन से कुछ काम करने को बोला तो पेन ने मना कर दिया, तो पेन को मारा पहले इसने और उसके कान काट रहा था वो। अब ना चाहते हुए भी पेन को करना पड़ेगा अपना कान बचाने, तो और फिर सारे काम पर लग गए। आज इन्हें फेक एड बनाना होता है, किसका, वही कि पैसे डबल करोगे। यहाँ पर एक इधर एक पोस्टर आता तुम्हारे फ़ोन पे, यहाँ पर लड़की ऐसे छपी होती है और आता है कि डबल कर लो, हाँ वही वाला। वो पोस्टर बना के इनको ना एडवर्टाइज़ करना होता है, जिससे कि कस्टमर आए, कस्टमर का प्लेयर आए, हम जैसे लोग जाएं खेलने के लिए। पेन ने एक पेपर पर हेल्प लिख के टॉयलेट में गया और बाहर फेंकने लगा तो विंडो पर भाई ग्रीले लगी होती है, कुछ फेंक ही नहीं सकता बाहर, टॉयलेट पर खड़ा था, बाहर वजन हुआ, टॉयलेट भी टूट गया होता है। फिर हम कुछ महीने पहले का सीन देखते, एक सुंदर मॉडल लड़की को काम से निकाल दिया गया होता है क्योंकि उसकी फोटो उसी तरह की गेम खेलने वाली जो वेबसाइटें होती है वहां पर लगा दी गई थी। इस लड़की का नाम एना होता है। काम से निकलने का बेरोजगारी ने इसको दबोच लिया होता है, तो अपनी फ्रेंड के पास आई होती। फ्रेंड ने बोला कि मैं तुम्हें बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी लगवा सकती हूँ, अच्छी खासी सैलरी होगी, बहुत मजा आएगा तुम्हें। एना को क्या ही चाहिए, हाँ बोल देती है। और इसको भी उठाते हैं फ्लाइट के अंदर, कंबोडिया के जंगलों में लाते हैं, बस में बिठाते हैं और लेकर आ जाते हैं लू की कंपनी में। अब अच्छे कपड़े पहनाते हैं, लू ने सबसे कहा है कि अगर तुम लोग 5 मिलियन येन कलेक्ट कर देते हो ना प्लेयर से तो मैं तुम्हें घर जाने दूंगा। अब इनका क्या होता है ना कि पहले ये लोग ना वहाँ से लोगों को फंसाते हैं, यहाँ पे लेकर आते हैं और फिर उनका पासपोर्ट वो जब्त कर लेते हैं। बिना पासपोर्ट एक कंट्री दूसरी कंट्री तो भाग भी नहीं पाएंगे ये लोग। तो बस अब इनको टारगेट दिया गया था 5 मिलियन येन करने का, तभी ये घर जा सकती है। एना की यहाँ पर शूटिंग वूटिंग की जाती है और बस अब हम फिर बाहर ऑनलाइन प्लेयर्स को देखने लग जाते हैं जो कि गेम खेल रहे होते हैं। इनको लग रहा होता है कि जो सामने हमारी लड़की बैठी हुई है ना ये एक फेक लड़की है, एक रिकॉर्डेड वीडियो है जो हमारे साथ खेल रही है बार बार और हम यहाँ पर लगा रहे। पर नहीं 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 नहीं, वो सामने लड़कियाँ बैठ कर रियल में खेल रही होती है और इनको लगता है रिकॉर्डिंग है। और इस तरह से वो यहाँ पर बैट लगाते हैं
और वो पैसा हारते चले जाते हैं। अब जब तक खेलते हैं जब तक सामने वाला प्लेयर भिखारी नहीं बन जाता है ना, कि तभी पेट में दर्द भी होने लग गया और ये उठकर जल्दी से बाथरूम में भागी जहाँ पर इसको पेन मिला है, गिरा पड़ा है बाथरूम तोड़कर, जो कि हमने थोड़ी देर पहले देखा था। आज दोनों पहली बार मिले होते हैं, बाहर ये ना गया होता, डोर पीट रहा होता बहुत देर एना के लिए कि काम छोड़कर कैसे आ गई। पहले तो पेन छुप जाता है और एना बाहर आती है तो इसको थप्पड़ मारता है और लेकर आता है, कहता काम कैसे छोड़ा। बाहर लाकर प्यार से बोला कि आई लव यू बाबू, सैनिटरी पैड भी लाकर देता है, कहता तुम्हारे पीरियड्स चल रहे हैं पहनो इसको। और भाई प्यार करता है ये इसे, देखो फिर उसको मारता है, फिर उसको सॉरी बोलता है। गर्ल्स नोट करो, अगर जो लड़का तुम पे हाथ उठाता है उसके पास सॉरी बोलता है उसको छोड़कर भाग जाना, क्योंकि वो अभी शुरुआत थी, वो कल तुम्हारी जान भी ले लेगा। खैर अंदर से आवाज़ आती है येन की, तो ये सुनने चला जाता है और पेन के डर से ना ये जो चिट लाया था ना हेल्प वाली, वो खा जाता है पेन। और ये अच्छे से तलाशी वालाशी लेता है इसकी, कहीं छुपा उपा के लाया तो नहीं, पर कुछ मिलता नहीं। दूसरी तरफ हम एक हैंडसम यंग मैन से मिलते हैं, टियान होता है, एक बहुत अच्छी मिस्टैंग की कार होती है और एक ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड भी होती है। नवामी कम नहीं होनी चाहिए साहबजादे की, जेब में भले भिखारी बना पैसे नहीं होते। और तभी इसको उसी गेम का ऐड आ जाता है कि खेलेगा क्या, मजा आ जाएगा, गर्लफ्रेंड को घुमाएगा डबल डबल। अब गर्लफ्रेंड के खर्चे उठाने के लिए भाई गेम खेलने को मान गया होता है ना, तो खिला कौन रही होती है, इसकी जो असिस्टेंट होती है ना, मतलब वो एना ही होती है। टियान पहली बार खेलता है ना तो जीत जाता है, प्रॉफिट अच्छा खासा निकाल लेता है और गेम को फिर बंद कर देता है, स्मार्ट गाय। पर अब लालच जा गया होता है इसके अंदर, अपने दोस्तों को बताता है कल तुम्हारे भाई ने ऐसे रेल लगा दी भाई पैसों की, तो है ना कल 1000 लगाया मैंने 2000 जीत गया, और याशिद 10000 लगाया होता तो 20000 जीत जाता। ऐसे ख्याल सबके मन में आता है जो ये चीज़ खेलता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो वापस आया खेलने के लिए और जो थे सारे हार गया, और जो बैंक में पड़े थे वो भी हार गया, सारे हार गया, कंगाल हो जाता है। इसमें लालच जाग गया होता है, हालांकि इसकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे भी आ गया होता तो गिफ्ट तो देना पड़ेगा, तो इसने लोन लिया, गिफ्ट खरीद के दिया और बाकी के जो पैसे बचे उसको रख लिया। अपनी गर्लफ्रेंड साथ टाइम बिताने आया हुआ, बैठे हो दोनों, बातें बातें चल रही है प्यारी प्यारी, बीच में बार बार मैसेज आ रहा है ना का, ए खेलेगा क्या, क्या हुआ, गरीब बन गया क्या, नहीं नहीं खेलोगे क्या, तुम भिखारी हो तुम, क्या जेब खाली हो बस हार्ड। पर लोन भाई, लोन के जो बचे हुए पैसे थे ना वो इसके पैर रखे हुए थे, इसने फोन भी बंद हो रहा था, इसने भाई पावर बैंक खोजा मांग मांग के और गेम खेलने लग गया वहीं पर, और ये जीत गया, इसको कहते हैं एडिक्शन। अगले दिन अच्छा सुहाना दिन होता है, बहुत बढ़िया सोकर का मैच देख रहा, सब कुछ बढ़िया चल रहा हो, तभी आना का मैसेज आता है, हाँ जी कहाँ चले गए, आज नहीं खेलोगे, खेलेगा नहीं खेलेगा, भिखारी है क्या यार तू, सोकर पर लगा लो बहुत पैसे जीतोगे आज, गोल भी होने वाला है, कौन सी टीम मारेगी बता, तो लगा के ऑफर तो अच्छा लग रहा होता है ना। और भाई ये लोंडा लगा देता है सोकर पे भी पैसा, बस हो गया इसका खेल खत्म, हार गया, फिर खेला फिर हारा, पैसे रिकवर करने के चक्कर में खेलता गया हारता गया खेलता गया हारता गया। तो अब कंगाली ने एकदम कदम चूम लिए होते हैं, इसके रेफरल से पैसे कमाने लग गया होता है कि ये तू डाउनलोड करेगा क्या, 10 रुपये तेरे को मिलेंगे 10 रुपये मेरे को मिलेंगे, कुछ उस टाइप का इतना एडिक्टेड हो गया होता है कि पड़ोसियों से पैसे मांगता, अपने कुछ कीमती सामानों को भी बेच देता है। पर महीना भी तो बीत गया है तो लोन वाले भी आगे सर पे मूंदने लग जाते हैं, हाँ भाई पैसे कब देगा, नहीं देगा, पीटते हैं बहुत ज़्यादा। और ऐसा एशियन कंट्री में क्या होता है ना कि जापान कोरिया चाइना में, इधर की अगर भाई तुम लोग पैसे नहीं चुका पा रहे हो तुम्हारी बॉडी में से वसूलते हैं, वो कोरिया का तो फेवरेट है, तुम्हारे बॉडी पार्ट्स ले लेते हैं। पर यहाँ पे थोड़ा ऐसा इसका ना खून निकालने के ले जाकर उसकी बॉडी से पूरा खून निकाल लेंगे, मरने मरने को हो रहा होता है। तभी इसके माता पिता आते हैं, अपने गाँव की जमीन बेच कर इसको बचाते हैं। टियान भाई को अकल आ जाना चाहिए था यहाँ तक, पर नहीं नहीं अपने पिता की गिफ्ट को मिस्टैंग कार भी बेच देता है जिसमें ये अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाया करता था। घर पे मॉम ने चेक किया तो सारे क्रेडिट कार्ड की लिमिट खत्म हो गई थी, यूज़ कर चुका था पूरा वो। सोइंग भी इसकी गर्लफ्रेंड जब मिली ना तो कहती है कहाँ रहते हो आजकल, मिलते नहीं हो, ये वो कर, बात भी नहीं करता सही से। अगले दिन टियान दादा दादी से मिलने गया, मिलना तो बहाना था, दादी माँ के पुराने गहने चुरा के ले आया। टियान सब कंट्रोल नहीं हो रहा होता, मतलब ये उस लिमिट पर पहुँच गया ना, उस लिमिट पर कि ऐसा एडिक्शन बन गया होता है इसके लिए कि भाई यहाँ से कमबैक नहीं हो सकता। जैसे एक शराबी के लिए, मतलब कोई भी कोई नशा करता इंसान ना, वो चाहे भी ना छोड़ना तो नहीं छोड़ सकता है। इस बार मैं खैर मैं एंड में तुमको समझाऊंगा कि काम कैसे करती हैं चीज़ें। टियान को अच्छा नहीं लगता है, ना खाता है ना पीता है ना हंसता है ना कुछ नहीं करता यार, जब तक वो सारा पैसे ना लगा लेना तब तक उसको चैन नहीं पड़ रहा होता है। इसे अब पैसा चाहिए होता है गेम खेलने के लिए, तो मोम से लड़ाई कर रहा होता है आज, कह रहा जान दे दूंगा पैसे दे दूंगा ना जान दे दूंगा मैं, पिताजी का तिजोरी का पासवर्ड बता दो। अब मोम अपने बेटे की जान बचाने के लिए पासवर्ड तो बताई सके, इन्होंने पासवर्ड बता दिया और इसने घर के सारे पैसे वैसे जमीने शमीने ली और ले जाकर एना को मैसेज करा, हाँ जल्दी बताओ कहाँ पे खेलना है। एना ने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम इतना लगाओगे ना तो तुम पे टैक्स कट जाएगा, ऐसा करो तुम मेरे अकाउंट में भेज दो, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करूँ। टियान ने क्या किया कि सारे पैसे एना के अकाउंट में डाल दिए अपने जितने भी थे,
और बस वो एना के क्या लू के पास चले गए। लू ने सारे पैसे अलग अलग इम्प्लॉयज के पास भेजा, जहां से उन लोगों ने अकाउंट में डलवा कर फिर सारे पैसे एटीएम से बाहर निकाल लिए। और टियान के माता पिता उसे खोज रहे होते, परेशान किया कि बेटा चला गया है। बेटा घर पे बैठा होता है, एना के मैसेज का इंतजार करो तो एना ने इसको ब्लॉक कर दिया होता है। सोयुंग इसके माता पिता सब आगे डोर पीट रहे, खोलो बेटा खोलो, पर नहीं। टियांग ने ऐसा उसको इतना बड़ा वो हो गया ना तो उससे परेशान होकर वो बेचारा छत से कूद जाता है और अपनी जान दे देता है, उसकी मौत हो जाती है। दूसरे तो कंपनी में देखते खुशी का माहौल होता है, बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट क्या था इसको, चोरी थी यार तुम लोगों ने, ड्रिंकिंग विंकिंग के चल रही होती है, बहुत ज़्यादा पटाखे फोड़े जा रहे होते हैं। एक तरह विक्टिम की फैमिली है जो मर गया बेचारा रो रहे होते हैं और यहाँ देखो याशियाँ चल रही हैं, बहुत लू मजे में होता है। एना को घर जाने को मिल गया होता क्योंकि इसने अपना टारगेट पूरा कर दिया ना, पर इसका पासपोर्ट नहीं देगा कहता, तुझे कहता फिर आना पड़ेगा यहाँ पर। एना के सुन के होश उठ जाती कि तो चीटिंग है। फिर इसने पेन को बुलाया और इसको प्रमोट किया, कहा कि तुम सिक्योरिटी सिस्टम को संभालोगी। और वहीं पर ये अंदर जाता है और एक डॉलर के ऊपर लिख देता है हेल्प करने के लिए। और फिर अगले दिन सभी इम्प्लॉयज को बाहर घुमाने लेकर जाया जा रहा होता है। इसने वो नोट ले जाकर एना को दे दिया कि मौका मिलता है किसी को दे देना वहाँ। बाहर आए सबने मस्ती की, फोटो खिंचवाई अच्छी अच्छी की, याशी काट रहे हम तो भाई यहाँ पर अपनी फैमिली को भेज देगी, देखो हमारी कितनी अच्छी जिंदगी है, कुछ इस तरह की, देखो मैं कितने मजे में। एना ने चुपके से वो नोट एक वेटर को देना चाहा, पर तभी ड्रिंक गिर गई, नोट खराब हो गया। पर जैसे तैसे पेन ने उठा लिया उस नोट को। कुछ दिन बाद कुछ एम्प्लॉयज को निकाला जा रहा होता है, उनके घर भेजा जा रहा होता है क्योंकि कंप्यूटर से ज्यादातर काम कर लेता है ना पेन, तो इन लोगों की जरूरत नहीं है। तो पेन ने इस बार वो नोट जिम नाम के एक लड़के को दे दिया होता कि बाहर तुम किसी को ले जाकर दे देना। सबको लोग बस में भरते हैं और लेकर जाने लग जाते हैं। येन वही जो कि मैनेजर कह रहा था जिसको मैं, इसका सिगरेट खत्म हो गया था बस में, पैसे भी नहीं है, तो सब एम्प्लॉयज की चेकिंग करने लगे किसी के पास तो पैसे मिलेंगे। और इसको वही वाला नोट मिल जाता है, ले जाकर अंदर देता है, सिगरेट खरीदता है, बाहर भी आ गया, सब कुछ ठीक है। तभी कैशियर बोल पड़े कि इस पर कुछ लिखा हुआ है, हम लिखा हुआ नोट एक्सेप्ट नहीं करते। बस भाई पकड़ा गया। इसके बाद तो लू ने जिम को बहुत मारा, किसने लिखा, पेन से ये देखा ना गया। तो पेन और एना दोनों सामने आ जाते हैं और लू ने पेन को भी बहुत मारा, एना के तो नेल्स तक उखाड़ दिए इन लोगों ने। इतना मारने पीटने के बाद लू ने जिम को शूट करके मार दिया। फिर एना को घर लेकर जाने लगे, यानी एयरपोर्ट के लिए। एना बस से कूद कर पुलिस के पास भागी, और पुलिस वाले भी लू के आदमी थे, बेचारी को पकड़ लिया इन लोगों ने। लू ने बोला मार दो इसको, इसको फिर बोरी में डाल के इन लोगों ने पानी में फेंक दिया। रिकॉर्डिंग कर ली इनने इसकी, और फिर एना को बाहर भी निकाला और इसको ना इसका पासपोर्ट दे दिया और कहा भाग जाओ यहाँ से, दिखना मत दोबारा, क्योंकि इससे प्यार करता है ना, मार नहीं सकता ना इसको। और रिकॉर्डिंग भेज दी लू को कि अब एना मर चुकी है। कुछ दिन बाद हम टियान की गर्लफ्रेंड को देखते हैं, जिस पुलिस वाली थी ना जो केस देख रही थी, वो बताती है ना इसको कि बहुत सारे ऐसे केस आ रहे हैं जहाँ पर गेम खेला जा रहा है और ये पैसे वैसे लूटे जा रहे लोगों के। फिर पुलिस की बहुत सारी कंप्लेंट भी आ रही होती है और इन्होंने लोगों को पकड़ना शुरू किया, यहाँ वहाँ जाके छापा मारा। टियान का फोन भी चेक किया गया था, उसमें एना से चैटिंग वैटिंग भी पकड़ ली गई थी और उस वजह से एना की डिटेल निकाल ली गई थी। और पुलिस ने एना के घर पर पहरा दे के रखा होता है, जैसे ही एना जाती है ना, एना को भी लोग उठा लेते हैं और बस एक बड़ी सी टीम बनाई जाती है और लू की लोकेशन पर ये लोग पहुंच जाते हैं। लू ने इस बार अपना डेस्क स्कूल में बना के रखा होता है क्योंकि एम्प्लॉयज कम हो गए थे, तो कम जगह में अपना ये काम चला रहा था। पुलिस आ जाती है और लू अंदर ही है। इसे शौक है कि एना पुलिस को कैसे फंसा सकते हैं, उसको तो हमने मार दिया था। अब ये येन ने किया, एन को भी भड़कता है तो येन इस पर अटैक कर देता, पर लू भी कम नहीं, गन निकालता और एन को डरा के पहले तो बाहर भगाता है, पर पुलिस ने सब घेर लिया होता है। लू ने सभी कंप्यूटर डिस्ट्रॉय करवा दी ताकि कुछ इसका पकड़ा जाए, और अपनी बेटी को येन को देते हुए बोलता है कि ले जा इस एड्रेस पर, मेरी एक्स वाइफ रहती है वहाँ पर छोड़ देना, क्योंकि इसी स्कूल में इसकी बेटी भी पढ़ती थी, अपनी बेटी के स्कूल पर ही अपना अड्डा बना लिया था। जल्दी पुलिस आ गई, सारे अरेस्ट हो जाते हैं और येन को यहाँ पर गोली लगती जिससे वो मर जाता है। अब बस फिर लफड़ा शुरू होता है और इन सबको पकड़ लिया जाता है और लू की बेटी भी सही सलामत बाहर निकल जाती है। सीन आ गया होता 2022 का, जहाँ पर हम देखते कि बहुत सारे फ्रॉड, यही मतलब जो होता है इसको पकड़ा गया था, बहुत सारी कंपनीज थी फेक, और यहाँ पर फिल्म खत्म हो जाती है। अब सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात की जो फिल्म है वो एक रियल कहानी है, ठीक है, एक रियल इंसान के साथ हुआ था वो। देखो अब तुम्हें मैं बता दूँ कुछ चीज़ें जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होता था ना कि हम लोग सबके यहाँ फ़ोन नहीं होते थे, ऐसे स्मार्टफोन नहीं होते थे, इतना हम पे इंटरनेट नहीं होना होता था। पहले फ़ोन आए, फिर उसके बाद हम लोग को वो नेट मिला फ्री का जियो, अब तो वाईफाई मिल चुका है और बहुत सारे ऐप्स आ गए, बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं। अब जो कंपनीज होती है ना, तुम लोगों को पता है मैं किस कंपनीज की बात कर रहा हूँ, जो कि तुम लोगों को ऐसा फोर्स करते कि इसमें पैसा लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, इसको लीगल बोल के आजकल वो किया जा रहा होता है। मतलब प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे आपको बहुत सारे ऐप, ऐप स्टोर में मिलते हैं, वेबसाइटें होती हैं, ऐड आता है टीवी पे, यूट्यूब पे, हर जगह ये ऐड चल रहा है। अभी तो भाई आईपीएल भी चल रहा है, उसमें भी तुम लोगों को पता है क्या हो रहा है। तो ऐसा क्या है ना कि ये ना, मतलब क्रिकेट की तो बात नहीं करूँगा मैं, बट उन सभी ऐप जो होते हैं ना, ऐसे उनकी शुरुआत चाइना में हुई थी। ये चाइना में, अभी भी चाइना में जाओगे ना तो चाइना और जापान में बहुत ज़्यादा इसका ना ऐसा कल्चर सा चलता है। चाइना में तो बहुत ज़्यादा है, तुम लोगों को ऐसा ना रोड पे बहुत बड़ी बड़ी वो दुकानें मिलेंगी, पता नहीं उनको क्या कहते हैं, मैं तो दुकान बोल रहा हूँ, उसमें ना मतलब की जाती है वही चीज़ें, ठीक है, जाते हैं वो पैसा लगाते लोग, ठीक है।
तो उसको ऑनलाइन कर दिया गया, तो वो ना अब इंडिया में भी आ चुका है, वो तो काफ़ी टाइम पहले ही से आ गया था। अब इसमें क्या होता है ना कि तुम लोगों को ना फोर्स किया जाता है, तुम लोगों ने एक पैटर्न समझा, तुम्हें कैसे ये काम करता है, मैं नहीं करता बट मेरे को पता है ये चिंदी चोरी होती है। देखो तुम लोगों ना लालच देते हैं, पहले पहले ना तुम लोग पहले ऐसा देंगे कि ज्वाइन करोगे। अब तुम ध्यान से सुनना, तुम्हारे जो फेवरेट यूट्यूबर होंगे ना, कुछ मतलब जिनको तुम लोग फॉलो वॉलो करते होगे, तो वो भी ऐसे ऐसी ऐप्स का प्रमोशन करते रहते हैं बहुत सारे, ठीक है, कि इसको ज्वाइन कर लो, तुम लोगों को भाई ज्वाइनिंग बोनस 25 रुपये मिलेंगे, 49 रुपये मिलेंगे। अरे थूकता हूँ ऐसे 49 रुपये पे, यार पागल है, 49 रुपये होते क्या है, हैं क्या होते है? नहीं 50 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये क्या होते, एडिक्शन लग जाएगा उस 50 रुपये के चक्कर में। उन लोगों को पता है, उन लोगों को पता है कि हमें जो देखते हैं ना, वो चाहते जो ऑडियंस होती है ना 12-13 साल से लेके 20-22 साल तक की होती है, 20 तक की होती है 18, तो वो लोग उसी टाइप का ऐप का प्रमोशन करते, कहते हैं ज्वाइन अभी ज्वाइन कर लो, जाके ज्वाइनिंग बोनस 25 रुपये मिलेगा। अबे भाई क्या होते 25 रुपये, क्या होते हैं 25 रुपये, तो ऐसे बताएंगे घर से 25 लाख रुपये दे रहे पहले उसको तुम लोगों को ज्वाइन करवाएंगे। पहले तो मेरे को देख के गुस्सा आ जाता है कि 25 रुपये ज्वाइनिंग बोनस में, भाई तुम्हारे 25 रुपये में करूँगा क्या। अब देखो तुम ज्वाइन करोगे जाकर उनके लिंक से, फिर वो 25 रुपये तुम लोगों को मिलेंगे। इंडिया में अलग फंडा चलता है, वैसे मैं तुमको समझा रहा हूँ तुम मत करना, इसलिए मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत मेरे को पता है बहुत छोटे लोग देखते हैं मेरे को, मतलब छोटे मतलब एज में छोटे लोग, तुम लोग उसको ज्वाइन कर लोगे कि वो 25 रुपये मिलेंगे, 20 रुपये, 50 रुपये जो भी होता है। अब उसको क्या होता है ना, तुम ज्वाइन करने के बाद ना उन पैसों को तुम निकाल नहीं सकते, वो तुम्हारे ऐसे अकाउंट में होते हैं जिसमें हम विड्रो नहीं मार सकते। अब क्या होता है, ये तुम्हें ना उसमें पैसे ऐड करवा देंगे, मान लो बस तुमने कहीं से पैसे वैसे ऐड कर लिए, उसमें तुम खेलने लग गए, लगे हुए हो धड़ाधड़ खेले जा रहे हो भाई साहब, है ना, उसमें तुम हारोगे, हारोगे ना तुम्हारे मन, पता है देखो जो इंसान ये करता है ना, ऐसा कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है, पर जो इंसान ये करता है उसका नेचर पता कैसा होता है, पहले वो एक बार करेगा ओके, उसके बाद क्या होता है कि वो जब हार जाएगा ना उस चीज़ को, तो उसको लगेगा अरे बढ़िया आसान था यार, मैं कर सकता था, मेरे को ना कुछ चीज़ भी रिकवर हो जाएगी, उसके दिमाग में नया आइडिया आएगा कि मुझे ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, फिर वो दोबारा लगाएगा, फिर हटेगा, फिर दोबारा लगाएगा, तो यही करते तो बहुत सारे पैसे लॉस में चला जाता है। और भाई इतिहास गवाए तो यूट्यूब के किसी भी ऐसी वीडियो पर जा करना, मेरे जैसी नहीं मतलब वो जो गेम की होती है, कमेंट में पढ़ लेना कोई इंसान तुम्हें दिख जाए ना जो बोलता हुआ वहाँ पर कि मैं इतने जीत गया, ये कर दिया, वो कर दिया, किसी भी ऐप से बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को, किसी भी ऐप से, सारे इसमें रोते गाते मिलेंगे तुम लोगों को, मेरा इतना लॉस होगा, मेरा इतना लॉस होगा। हाँ कुछ लोग बोलेंगे कि भाई जो जीतता है वो वीडियो देखने नहीं आता, जो हारता है वही वीडियो देखने आता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, जीतने वाले भी आते हैं चेक करने के लिए, पर कोई कमेंट में तुम्हें बताते नहीं कि मैं इतना जीत गया, तो भाई तुम हारोगे जाकर देखो लोग लाखों लाख डुबा के बैठे हुए हैं। तो पहले वो करते, फिर उसके बाद क्या होता है ना कि चलो यहाँ तक तो फिर अब मान के चलो तुम पे लिमिट थी, मान लो तुम्हारे पे एग्जांपल के मान तुम्हें 20,000 रुपये थे तुम्हारे पे, तुम वो 20,000 भी हार चुके, अब तुम पे पैसे खत्म हो चुके नहीं है, तो पता है 2-3 दिन ऐप नहीं खोलोगे ना तो ये हराम खोर पता क्या करती, नोटिफिकेशन भेजेंगे ऊपर से, ऑफर देंगे तुम्हें कि भाई इस पे लगा लो खेलो खेलो। सारे कंप्यूटर होते हैं भाई, डाटा उन पे होता है कि ये आईडी इतने दिन से लॉगिन नहीं की गई है, तो ऑटोमेटिक वहां से तुम्हें शो कर देता है कि भाई इसको बुलाओ, पकड़ के खींच कर साले भगेगा तुम्हारा चंगू से, इधर आ खेल डाले सट्टा लगा। तो ये सब चीज़ें होती है। अब मेनली क्या होता है, एडिक्शन हो जाता है। देखो सबको एडिक्शन नहीं होता, बहुत से लोग एडिक्शन बहुत तरह का होता है, किसी को जुए की लत हो जाती है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, किसी को नशे की हो जाती है, किसी को सेक्स की हो जाती है, बहुत तरह के एडिक्शन होते हैं। तो एक चीज़ को लिमिट में रख के करो, और ऐसे जो मैं बता रहा हूँ वो तो ना ही करो तो अच्छा है, पर एक बात मैं तुम लोगों को समझा देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तुम लोग याद रखो, तुम्हें अच्छे से, तुम ऐसा नहीं कि तुम खाली मेरी ही वीडियो, तुम बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देखते होगे, ठीक है, बहुत उनके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स है, लाखों मिलियंस में है, मेरे को पता है, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, पर वो हराम के पिल्ले, मैं गाली से दे रहा हूँ क्यों है साले, वो बहुत गंदे होते हैं, वो इतने भाई तुम लोग मानोगे नहीं, वो लाखों लाख कमाते, बहुत पैसा कमाते, बहुत पैसा, तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा पैसा कमाते वो लोग, और वो लोग कुछ पैसों के लिए तुम्हें 25 रुपये का ज्वाइनिंग बोनस दिलवा रहे। नहीं तुम खुद सोच के देखो भाई, तुम पागल हो, अगर तुम किसी अपने फेवरेट यूट्यूबर की वीडियो देख रहे हो ना, अगर वो बोल रहा है बंदा कि अगर मान के चलो उसके ना 2 मिलियन व्यूज़ आते हैं हर वीडियो पे, मान के चलो 1.5-2.5 मिलियन ऐसे, उसको 20 लाख लोग देख रहे हैं मान के चलो, है ना। अब भाई 20 लाख लोग में से ना अगर 20 लाख में से ना 1,000 लोगों ने भी उस ऐप को डाउनलोड किया ना, तो भाई बर्बाद है, वो करते भी होंगे वो। तो अगर तुम आगे देखते हो तुम्हारा यूट्यूबर आगे बोल रहा है तुमको कि भाई इस ऐप को डाउनलोड करो, मेरे नीचे दी हुई लिंक से जो मैंने दे रखी है तुमको मिलेंगे भाई इतने रुपए ज्वाइनिंग बोनस तुम्हें मिलेंगे पूरे 11 रुपए। पहले तो मैं उस भाई को बोलना चाहूँगा जो वो बोलता है कि भाई 11 रुपये तो क्यों दिलवा रहा है, हम लोग को रख ले भाई, तो हमारी तरफ से पहली बात तो ये
और दूसरी बात करें तो चार गाली बको उल्टे सीधे कमेंट के अंदर भगवान सीधा कभी मत करना ऐसे, एडिक्शन होती है बहुत बुरी, लड़कियां कमी करती हैं ज्यादा मेरे को लगता है, पर लड़के ज्यादा करते हो, लड़के की ऑडियंस है भी नहीं मेरे पे, तो मेरे को नहीं, लड़कों की है ऑडियंस, पर भाई अगर तुम करते हो बिल्कुल, मैं बातें जो बता रहा हूँ लड़कों के लिए बता रहा हूँ, मैं इतनी रिक्वेस्ट करके इतनी देर से भौंक इसलिए जा रहा हूँ, भाई तुम मत करना, ठीक है, मत करना, बहुत बुरी चीज़ होती है वो, तुम लोग कभी नहीं जीत पाओगे वहाँ से पैसा, तुम्हें फैक्ट बता रहा हूँ, कभी वहाँ से तुम सोचोगे ना इतना निकालूंगा तो जीत जाओगे, बहुत से लीगल वे भी है जीतने को, मना नहीं कर रहा, नहीं मिलेंगे वो मिलते हैं, पर एक जो जेन्युइन बता रहा हूँ तुम लॉस ही खाओगे, तो मत करना प्लीज, मत करना, ठीक है लड़के हो और लड़कियाँ, तुम भेज देना अगर तुम्हारी नज़र में कोई है ऐसा। चलो मिलते हो अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।